खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं असीम कुमार अरुण जी, एडीजी हैं डायल 112 के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरे देश की तरफ से, यूपी के लोगों की तरफ से जो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि लगातार डायल 112 की तरफ से उन तक मदद पहुंच रही है। जो भी जरूरतें, चाहे वो इमरजेंसी हो, मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर जरूरी सुविधाएं, लगातार डायल 112 की तरफ से पुलिस विभाग उन तक पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा धर्म है कि इमरजेंसी सेवा के रूप में ऐसी आपात स्थिति में हम काम करके दें। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि हम 100% राहत पहुंचा पा रहे होंगे, लेकिन अगर आपको संतुष्टि है, नागरिकों को संतुष्टि है, तो इससे हमको प्रेरणा मिलती है और अच्छा काम करने की। सर जिस तरीके से पूरा देश कोरोना महामारी की चपेट में, लगातार प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, कोशिशें लगातार की जा रही हैं। अगर यूपी की बात की जाए तो क्या कुछ तमाम तैयारियां इस दौरान, क्योंकि लॉकडाउन है, लोग घरों में बंद हैं, क्या कुछ तमाम तैयारियां की जा रही है पुलिस विभाग की तरफ से, क्योंकि लगातार सराहनीय तस्वीरें वो देखने को मिल रही है। जी, प्रारंभिक रूप से जिस समय लॉकडाउन शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस चीज को भांप लिया था कि ज़्यादातर लोग तो खाना पीना सब अपना व्यवस्थित कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर छूट जाएंगे जिनको परेशानी होगी, और उसके हल के लिए उन्होंने निर्देशित किया कि 112 की जो 4,500 गाड़ियां हैं वो राहत प्रक्रिया में शामिल हों, और वो हुई। लेकिन अब पिछले दो दिन से हमारे जिलाधिकारियों द्वारा कम्युनिटी किचन का निर्देश जैसे मुख्यमंत्री जी ने दिया और तमाम व्यवस्थाएँ कर ली हैं, राशन के वितरण की कुछ दुकानें भी खुलना शुरू हो गई हैं, तो अब धीरे धीरे पुलिस यानी 112 की जो गाड़ियां हैं वो केवल आपात स्थिति में या जो बहुत ज़रूरतमंद हैं उनके पास अब जाने की ज़रूरत पड़ रही है। बाकी व्यवस्था ज़्यादातर प्रशासन द्वारा की गई है और वो पुख्ता रूप से चल रही है। सर जितनी आप मदद कर रहे हैं उतनी चुनौतियां भी सामने आ रही होंगी इस दौरान, कई कॉल्स भी आ रही होंगी, ऐसी बहुत सारी कॉल्स है जिसके आप अटेंड तो जरूर कर रहे होंगे, लेकिन वहां तक पहुंच पाना कितनी सारी चुनौतियां इस दौरान। चुनौतियां वाकई गंभीर हैं, और कई बार जिस मैं कुछ सैंपल कॉल्स को सुनता हूँ तो हृदय द्रवित हो जाता है कि कोई महिला अकेली है, उनके पति कहीं मजदूरी के लिए बाहर गए, 3 दिन से खाना नहीं पहुंचा, या दूध बच्चों के लिए नहीं है, कोई बीमार है, इस तरह की स्थिति आती है और मन बहुत द्रवित होता है। लेकिन व्यापक हित में ये ज़रूरी है कि लॉकडाउन को हम लोग सफल बनाएं, और ऐसे लोग जो परेशान हैं उनके लिए मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि हम हर संभव मदद करें, जो कि हम लोग कर रहे हैं। और मैं पुनः याद दिलाना चाहूँगा कि प्रारंभिक रूप से भोजन के लिए, राशन के लिए कोई परेशानी आ रही है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पे कॉल कर सकते हैं। तात्कालिक आवश्यकता है, कोई परेशानी है तो 112 पे कॉल कर सकते हैं। दोनों ही सूरत में आपकी मदद की जाएगी। जी सर, आपको पूरे जनतंत्र टीवी के माध्यम से पूरा देश आपको देख रहा है, यूपी आपको देख रहा है, कोई संदेश देना चाहे उन लोगों को जो इस वक्त घर पर मौजूद है, लॉकडाउन है। जी मैं बिल्कुल संदेश देना चाहूंगा, और संदेश ये है कि ये पूरी प्रक्रिया चेन को तोड़ने की है। अगर हम लॉकडाउन करें भी किंतु हम उसमें एक दूसरे के घर जाना, सामूहिक रूप से इकट्ठा होना, ये सब भी करते रहें सोच के कि मुझे तो नहीं होगा या मैं तो संक्रमित नहीं हूँ, तो हम लॉकडाउन की पूरी प्रक्रिया भी करेंगे, उससे संबंधित कष्ट को भी उठाएंगे और चेन को तोड़ भी नहीं पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है प्रधानमंत्री जी द्वारा जो निर्णय लिया गया है, मुख्यमंत्री जी जिसको स्वयं फील्ड में जाकर लागू कर रहे हैं, इस लॉकडाउन को सफल करना है, ये हमारे व्यक्तिगत हित में है और व्यापक हित में है, इसमें जरा भी चूक हम लोगों को नहीं करनी है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनतंत्र टीवी के साथ जुड़ने के लिए।